नमस्कार, आपका स्वागत है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम हेलो किसान में और मैं हूं डॉक्टर मनोज पटेरिया हमारा टोल फ्री नंबर है एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य शून्य आज के कार्यक्रम में विशेष चर्चा के लिए किसानों के साथ सीधे संवाद के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री मोहन सिंह जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम हलो किसान में और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी किसानों के मन में जो इच्छाएं हैं जो उनकी अपेक्षाएं हैं जिज्ञासाएं हैं उनको वो सीधे पूछ सकते हैं फ़ोन के माध्यम से हमें फ़ोन कर सकते हैं और माननीय मंत्री जी हमारे स्टूडियो में आज स्वयं मौजूद हैं उनके जवाब देने के लिए जैसा कि आप जानते हैं खेती किसानी के लिए और खेती -वाड़ी के विकास के लिए सिंचाई के लिए किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है सरकार के स्तर पर नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं कैसे ये योजनाएं हमारे किसानों के भविष्य को बदलने वाली हैं किस प्रकार से उनकी जो आमदनी है उसको बढ़ाने वाली हैं किस प्रकार से उनको जीवन को और ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने वाली हैं। इन सभी बातों पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं चर्चा कर सकते हैं तो सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं माननीय मंत्री जी और ये जानना चाहते हैं कि जो ये कार्यक्रम नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं आपने एक पूरा का पूरा अभियान चलाया हुआ है कि कैसे किसानों की आय अगले कुछ वर्षों में दुगनी हो जाए और कैसे किसान को फसल बीमा के माध्यम से हो या सिंचाई के माध्यम से हो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से हो सोयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हो ये जो सारी की सारी योजना है एक सोच है जो सरकार की ओर से गांवों तक पहुंच रहा है जिससे किसानों को एक आशा बनी है एक उन्हें विश्वास बना है कि उनका भविष्य ज़रूर बदलेगा और खेती में इससे देश के निर्माण में वो मुख्य धारा में अपनी भूमिका निभा पाएंगे आप क्या किसानों को सीधे अपनी तरफ से कहना चाहेंगे देखिए मोदी सरकार बनने के बाद पूरे देश के ध्यान में होगा कि हमारी प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा था कि हमारे सरकार की प्रतिबद्धता गांव गरीब किसान है और जब तक गांव गरीब किसान मजबूत नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं होगा और इसीलिए आपने देखा होगा जो बजट आया पिछला ग्रामीण विकास की योजनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई कृषि सिंचाई की योजनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई और चुनाव के समय भी हम लोगों ने कहा था कि किसान की आमदनी बढ़ाएंगे इस देश का दुर्भाग्य रहा कि अभी तक लोग ये मानते रहे कि समर्थन मूल्य बढ़ाने से आमदनी बढ़ेगी समर्थन मूल्य बढ़ाने से भी आमदनी बढ़ती है बढ़ेगी लेकिन सिर्फ समर्थन मूल्य बढ़ाने से ही आमदनी बढ़ेगी ये जो सोच था ये नुकसान का बहुत किसानों का बहुत नुकसान किया समर्थन मूल्य भी बढ़ना लेकिन उसके साथ साथ उत्पादन ज्यादा होना तो हिंदुस्तान के खेतों में पानी नहीं किसान पानी खरीद कर सिंचाई करते हैं गांव में तो सबसे पहले प्राथमिकता में प्रधानमंत्री जी ने लिया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी पहुंचाना हम चर्चा जारी रखेंगे एक फोन पर हमारे किसान मौजूद हैं राजस्थान से जी नमस्कार मैं अजमेर राजस्थान से विनोद प्रजापति बोल रहा हूं और मुझे माननीय मंत्री महोदय से जानना है कि हमारे प्रदेश राजस्थान में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी की कमी है और जो भारत सरकार की जो कृषि विभाग की जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इस योजना के तहत हमारे राजस्थान को कोई विशेष या कोई विशेष पैकेज मिलेगा या कोई हमारे राजस्थान में इस पानी की कमी को दूर करने के लिए और यहाँ जो कृषि की जो सुविधाएं और अधिक मुहैया कराने के लिए इस योजना में और क्या कुछ होगा माननीय महोदय का इस पर क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूरे देश के लिए चलाई गई है क्योंकि 60 फीसदी खेती योग्य जमीन को आज भी पानी नहीं पूरे देश का औसत है लेकिन हरियाणा पंजाब गुजरात मध्य प्रदेश को यदि आप अलग करें तो ये 80 प्रतिशत लगभग जो किसान है उसके खेत में पानी नहीं और आज़ादी के सड़सठ अड़सठ बरस बाद भी मोदी सरकार के आने तक की स्थिति थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली प्राथमिकता में हर खेत को पानी पहुंचाना अब अपना देश सवा सौ करोड़ की आबादी है इटली हम गए थे रोम अभी कार्यक्रम था वहाँ की आबादी राजस्थान की आधी आबादी भी नहीं होगी लेकिन सवा सौ करोड़ की आबादी ढाई सौ करोड़ हाथ है तो हर हाथ को यदि काम चाहिए तो हर खेत को पानी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चलाई और आपने पिछले बार बजट में देखा होगा कि इसके राशि भी बढ़ाई गई है पहले के तुलना में और साथ ही इस देश के अंदर 89 ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जो 20-25 वर्षों से लंबित है उसमें राजस्थान के भी है मराठवाड़ा के भी हैं बिहार के भी हैं और इसमें लगभग अस्सी हजार करोड़ रुपये खर्चे होंगे और 18 86 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी और ये 20-25 वर्षों से लंबित है हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली प्राथमिकता में तय किया इस बार बजट में कि हमारी प्राथमिकता होगी इस 89 परियोजनाओं को अगले कुछ वर्षों में पूरा करना अस्सी हजार करोड़ रुपया चाहिए हजारों करोड़ का देश में घोटाला होता है तो इसके लिए प्रारंभ में ही इस वर्ष के बजट में बीस हजार करोड़ रुपया का प्रारंभिक करपज फंड बनाया गया है और इसमें से तेईस परियोजनाओं को इसी वर्ष पूरा कर दिया जाए वर्ष सोलह सत्रह में इसके लिए बारह हजार पांच सौ सत्रह करोड़ राज्यों को जारी किया गया है यह तो बड़ी परियोजना लेकिन हर हर, रा, हर राज्य के हर जिला के अंदर डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान बनाया जाए और इसके लिए राज्यों को पैसा दिया गया दो वर्ष डेढ़ वर्ष पहले राज्य के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई और आज की तारीख में लगभग अधिकतर राज्यों ने जिला इरिगेशन लगभग प्लान बना लिया है लेकिन सितंबर तक देश के सभी जिलों का बन जाएगा और उसके अंदर गांव के शुरू से अंत तक कैसे हर खेत को पानी मिले उसकी योजना उसमें बनेगी और ये जो माइक्रो इरिगेशन है ये मेरा जो मंत्रालय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का बहुत बड़ा काम सिंचाई मंत्रालय के अंदर है तो ये पहले हमारे मंत्रालय से शुरू हुआ था लेकिन अब इसका देखभाल कुछ दिनों के बाद हम सिंचाई मंत्रालय को देने वाले हैं लेकिन मेरा मंत्रालय मुख्य रूप से उसके अंदर माइक्रो इरीगेशन जल का संकट है देश में तो और प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते रहे हैं कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप तो इसके लिए हमने राज्यों को राशि बढ़ाई है और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत भी राज्यों की राशि बढ़ाई गई है बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए हमारा लक्ष्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम हर खेत को पानी पहुंचाएं और हमारी प्राथमिकता है जो सूखे जिले हैं उन योजना का इरिगेशन प्लान पहले बनाकर पहले काम शुरू हो जाए और सेंक्शन के लिए भी दिल्ली नहीं आना है स्टेट सिलेक्शन कमेटी बना दी गई है वहीं पर योजनाओं की स्वीकृति होगी और राशि भी राज्यों को आवंटित की गई है तो इससे तो राजस्थान का निश्चित रूप से राजस्थान को भी बहुत बड़ा लाभ होगा जी बहुत अच्छा एक प्रश्न जो हमें कई बार हमारे दर्शक पूछते हैं वो उनकी तरफ से हम आपसे पूछना चाहेंगे अभी पूर्वांचल से एक खबर आई कि वहाँ पर जबकि सूखे की जैसी स्थिति है पशुओं के लिए पीने को पानी नहीं है ये खबर आ रही है जंगलों में पशुओं को चाहे पालतू पशु हों पक्षी हों पीने के लिए पानी इंसानों को भी पीने के लिए पानी की कमी हो रही है ऐसे में ऐसे में कुछ जागरूक किसान जो भी भूमिगत जल उपलब्ध है उसको निकाल करके अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने के लिए एक बेमौसम की फसल या पैदावार ले रहे हैं जिसको सरकार भी प्रोत्साहन देती है एक जागरूक किसान के नाते प्रगतिशील किसान के नाते ऐसी ऐसी जो स्थितियां हैं जिसके लिए कोई ऐसा ऐसी दृष्टि एक कोई देना चाहे जिससे एक बैलेंस क्रिएट हो सके देखिए इस देश का और दुर्भाग्य रहा कि हमारे परंपरागत जल स्रोत जितने थे हमने भारी अत्याचार किया जल का दुरुपयोग भी किया और जल स्रोतों को बंद करने का बड़े पैमाने पर काम किया जल संरक्षण और जल सुरक्षा की चिंता नहीं की भाई नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने पहला दिन से ही उन्होंने इस अभियान को शुरू किया और दुर्भाग्य से इस बार पीने के पानी का संकट आया तो नरेंद्र भाई मोदी जो इस अभियान को चला रहे थे उसको बड़ी गति मिल गई है और कई राज्यों में अभी ग्यारह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी तीन तीन घंटे तक बैठे मैं भी उसमें था और राज्यों ने कुछ शुरू कर दिया योजना हम लोगों के साथ बैठकर योजना बनाया और एक प्रकार का आंदोलन अब देश में शुरू हो गया है परंपरागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना जल संरक्षण और जल सुरक्षा अभियान के रूप में राज्य सरकारें ले रही हैं जैसे आप महाराष्ट्र में आप देखेंगे जल युक्त शिवार योजना फिर कपिल धारा कूप योजना मध्य प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश ने भी बताया कि मुख्यमंत्री जल विकास कुछ योजना उन्होंने बनाया है तो पूरे देश में अब आंदोलन का रूप लिया है और सौभाग्य यह है कि आप दो तीन दिनों से यदि टेलीविजन देख रहे होंगे तो मौसम अच्छा है देश में वर्षा शुरू हो गई है हम और चर्चा को जारी रखेंगे एक और हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जी बताएं नमस्कार जी कृपया प्रश्न पूछिए हाँ बताइए हेलो हाँ पूछिए नमस्कार मंत्री जी को भी नमस्कार नमस्कार आ, आ, मंत्री जी मैं पैरों से विकलांग हूँ जी कहां से और मैं किसानी करता हूँ जी। बहुत दिन से ट्रैक्टर लेने की सोच रहा हूँ कृष्ण लेकिन उसपे हमको जो सब्सिडी है वो बहुत कम मिलती है तो मैं ये चाहता हूँ आपसे कि जो विकलांग हमारे कृषक हैं उनके लिए एक अलग से योजना हो जिसमें जो कृषि यंत्र है जी। उनको आसानी से मिले और ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी पे मिले ये हेमराज जी है मध्य प्रदेश से जी सर हे, हेमराज जी भारत सरकार की योजना है जिसमें हम फार्म मशीनरी पर सहायता करते हैं और फार्म मशीनरी ट्रेनिंग का तो सबसे बड़ा संस्थान हमारा मध्य प्रदेश के अंदर में है और राज्यों को हम एक रूपता के साथ पैसा देते हैं साठ प्रतिशत की राशि हम देते हैं चालीस प्रतिशत राज्यों को लगाना पड़ता है और राज्य सरकार के माध्यम से किसानों को जो यंत्र हैं औजार हैं कृषि औजार उस पर सब्सिडी दिया जाता है और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले में अच्छा काम कर रही है और आपके राज्य का तो अभी कृषि विकास दर हिंदुस्तान का सर ऊंचा किए हुए है 20 प्रतिशत से ज़्यादा आपका कृषि विकास दर है और राज्य सरकारें यांत्रिक सहायता करती है अनुदान देती है और राज सर वहाँ की राज्य सरकार तो वहाँ के किसानों के लिए अपने राज खजाने से भी भारत सरकार जो देती है इसके अलावा अपने राज खजाने से भी पैसा लगाती है और बड़े पैमाने पर जाकरण में किसानों को अनुदान देती है जी किसी भी राज्य की कृषि विकास दर पूरी दुनिया में ये जो मध्य प्रदेश की है ये सर्वोच्च है ये एक प्रसन्नता की बात है तो आपको इससे ज़रूर फायदा होगा और चलते हैं अगली हम चर्चा की ओर जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी भूमि अधिग्रहण नीति है कृषि भूमि कई बार उसमें औद्योगिकरण में इस्तेमाल होने की स्थिति बन जाती है तो क्या ऐसा कुछ प्रयास किया जा सकता है कि जो बंजर भूमि है या जो ऊसर भूमि है एक तरफ तो हम उसको खेती योग्य बनाने के लिए भी वैज्ञानिक प्रयास किए जाते हैं क्या उसके ऊपर देखिए पर... हमारे कृषि मंत्रालय का हमेशा ये सलाह रहता है देखिए कृषि पर जितना भार है एक परिवार में चार आदि हैं तो सब खेती नहीं करेंगे उनको काम भी चाहिए तो काम के लिए भी कोई ना कोई औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होनी चाहिए लेकिन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए जो बंजर जमीन है ऊसर जमीन है जो उपजाऊ नहीं है उसको प्राथमिकता दी जाए और दूसरी तरफ हमारी योजनाएं भी कई चलती है जो बंजर और ऊसर जमीन को खेती बनाने के लिए हम किसानों को सहायता करते हैं राज्यों के माध्यम से तो हमारा दोहरा काम है एक तरफ तो जो इस प्रकार के खेती के योग्य जमीन नहीं है उस पर ही इंडस्ट्री वगैरह बने तो अच्छी बात है और दूसरा हम राज्य सरकारों के माध्यम से हम सहयोग करते हैं कि उसको कृषि योग्य बनाया जाए और प्रति वर्ष इस प्रकार के रकबा बढ़ भी रहे हैं नहीं तो जमीन एकदम समाप्त हो गया रहता है क्योंकि बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण भी हो रहा है तो दूसरी ओर जो नमकीय नमकीय भूमि है जी। या, है, या, या, हा, है, अम्लीय या, और इस प्रकार से जो बंजर जा है इस खेत को खेती योग्य बनाने का काम भी निरंतर चलता रहता है एक और दर्शक हमारे फोन लाइन पर है जी बताए हेलो हाँ जी हेलो नमस्कार मैं हरीश कुमार बोल रहा था जयपुर से ए, मुझे माननीय मंत्री महोदय से फसल बीमा तो योजना, योजना के बारे में जानकारी नहीं थी हरीश जी जयपुर तो जो फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री ने जो लागू है तो उससे किसानों को कैसे लाभ मिल सकता है और, और उसकी लाभ की क्या रहेगी हरीश जी किसान नहीं जानते और उससे उससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं हरीश जी अपने देश में जो किसानों का नुकसान होता है उसकी एक योजना राहत देने की है लेकिन राहत में किसानों का जितना नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं होती है इसीलिए अपने देश में फसल बीमा योजना चलाई गई कि एक किसान का खेती में चाहे वो कर्जा ले बैंक से ले या पड़ोसी से ले घर का लगाए तो जितना लागत है यदि प्राकृतिक आपदाओं में वो समाप्त होता है तो पूरी भरपाई होनी चाहिए ये सोच था फसल बीमा योजना का लेकिन जब हम लोग सरकार में आए और पहले का भी अनुभव था उसमें इतनी विसंगति थी कि किसान को प्रीमियम बहुत ज्यादा देना पड़ता था और जितना नुकसान है उसकी भरपाई नहीं होती थी क्योंकि राज खजाने पर बोझ न पड़े इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर एक कैपिंग लगाया था अगर मान लीजिए कि आपका एक हेक्टेयर में पचास हजार रुपये धान की खेती में लगता है और प्रीमियम भी आपने दिया ज्यादा शेष राशि राज्य सरकार को जो कंपनी को देना है तो पूरा नहीं देता था रिस्की जिलों के मुताबिक एगारह प्रतिशत का कैपिंग था तो आपका पचास हजार का नुकसान हुआ लेकिन आपको बीमा कंपनी देगी बीस हजार पच्चीस हजार अब प्रीमियम भी आपने ज्यादा दिया और बीमा भी आपको कम मिला दूसरा हर फसल के लिए अलग अलग रेट था हर जिला में अलग अलग रेट था और समय पर मिलता भी नहीं था बल्कि नुकसान हो गया तो छह महीना साल साल भर आंकड़े इकट्ठे होना जांच पड़ताल होना ये सारी जो विसंगतियां थी तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पहल की और लगभग एक साल तक देश के किसानों से राज्य सरकारों से सबसे राय लेकर खुद प्रधानमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग करते रहे और अंत में एक नया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया है इस फसल बीमा योजना के तहत जो रब्बी का फसल है चाहे कोई भी अनाज हो आपको डेढ़ प्रतिशत मात्र प्रीमियम देना है सिंबॉलिक है और खरीफ में दो, पर, दो परसेंट देना है और देश भर के हर जिला के लिए हर फसल के लिए सामान्य रूप से देना है और इससे फाजिल जो प्रीमियम है रिस्की जिला है, तो कहीं मान लिया कि तीस प्रतिशत प्रीमियम है तो बाकी का सारा पैसा राज खजाने से जाएगा और कोई कैपिंग नहीं होगा यदि चालीस हजार का नुकसान है तो चालीस हजार रुपया किसान को मिलेगा लेकिन राज्य को टेंडर करना है कंपनी तय करनी है राज्य को घोषित करना है कि उसके राज्य में कौन कौन सी फसलों का बीमा करना है क्योंकि हर राज्य की प्रकृति अलग है फलों का अनाजों का अब कहीं पर लीची होता है और किसी राज्य में लीची नहीं किसी राज्य में चना ज्यादा होता है तो किसी राज्य में गेहूं ज्यादा होता है तो सामान्यतया राज्य सरकारें टेंडर करेगी और अब अभी तक सत्रह नौ बड़े जो राज्य हैं बड़े राज्यों में से लगभग 20-21 राज्यों ने टेंडर कर दिया है कंपनी बहाल हो गई है और वहाँ काम शुरू हो गया है राजस्थान का जहाँ तक सवाल है थोड़ा बहुत राजस्थान और तमिलनाडु गोवा तीन राज्य की गति थोड़ी धीमी है लेकिन वो तीनों राज्य भी इस काम को कर लेंगे और पूर्वोत्तर के अंदर भी जो छोटे छोटे पाँच छो राज्य हैं वहां इस प्रकार का नहीं है पंजाब में अभी नहीं वो नहीं करते हैं लेकिन पूरे देश के सभी राज्यों ने लगभग पंजाब को छोड़कर राजस्थान भी सिद्धांतिक रूप से मान लिया है और फसल यदि आपकी कटाई होती है तो उसके बाद बीमा नहीं मिलता था फसल खड़ी है प्राकृतिक आपदा में नुकसान हो गया तो उसका तो मिलता था लेकिन यदि फसल की कटनी हो गई खेत में पड़ा है प्राकृतिक आपदा आई तो नुकसान हुआ तो उसका बीमा का पैसा नहीं मिला फोन है तो इसमें उसकी भी व्यवस्था है और जल्दी भुगतान हो इसके लिए भी साइंस का इसमें उपयोग किया जा रहा है तो आज तक की भारत सरकार की किसानों के लिए सबसे बड़ी अच्छी और एक प्रकार की अमृत जैसी योजना है, है और हर किसान जो कंपनी वहां है या बैंक है या जिला कृषि पदाधिकारी है उससे संपर्क करके अपना बीमा करा सकते हैं जी फसल बीमा योजना का जरूर हमारे किसान भाई फायदा लेंगे एक बार हमारे किसान भाई फोन पर जुड़ गए हैं जी नमस्कार हेलो हेलो जी मैं राजेश बोल रहा हूँ पानीपत से जी हरियाणा और जो डेयरी विकास योजनाएं हैं उसमें गोकुल मिशन जो है उससे पशुपालनों को क्या लाभ होगा भाइयों को क्या लाभ होगा उसके बारे में मंत्री महोदय जी हमें स्पष्ट रूप से बताने का श्रम करें गोकुल योजना के बारे में गोकुल राष्ट्रीय गोकुल मिशन आज से पंद्रह बरस पहले दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस बात को माना कि विदेशी और शंकर नस्ल की जो पशु हैं 2022-23 आते आते जब जलवायु परिवर्तन होगा परिवर्तन जो हो रहा है एक डिग्री यदि टेम्परेचर बढ़ा तो इनकी प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाएगी विभिन्न प्रकार के रोग होंगे तो इससे इसके साथ ही दुनिया के वैज्ञानिकों ने माना कि हिंदुस्तान की जो देसी नस्ल की गायें उनके अंदर इतना प्रतिरोधात्मक ताकत है कि उन पर इसका असर नहीं होगा और इसका कारण यह इसके कारण यह हुआ कि दुनिया के 10-15 देश हिंदुस्तान के देसी नस्ल को गाय को ले गए और वहां पर उनका ब्रीडिंग सुधार करके उत्पादकता बढ़ाया और हिंदुस्तान ने इसकी चिंता नहीं की मोदी सरकार आने के बाद पहली बार चिंता की गई और राष्ट्रीय गोकुल मिशन और उसके लिए 25 राज्यों में 35 प्रोजेक्ट के लिए लगभग साढ़े पांच सौ करोड़ रुपया राज्यों को दिया गया कि आप नस्ल सुधार का काम करिए देसी गायों का इसके पहले देसी गायों के नस्ल सुधार के लिए राज्यों के पास पैसा नहीं जाता था तो बड़े पैमाने पर राज्य सरकार ब्रीडिंग सेंटर वगैरह बना रही है और पूरे देश में दुनिया के कई देश में नेशनल ब्रीडिंग सेंटर है जो वहां के देसी नस्लों के नस्ल सुधार करती है हिंदुस्तान में तो ये था ही नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने रुचि ली और 50 करोड़ अलग से एक आंध्र में और एक मध्य प्रदेश में एक उत्तर भारत में एक दक्षिण भारत में राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है और राज्यों को यह भी कहा गया कि आप गोकुल ग्राम बनाओ गोकुल ग्राम बनाओ और उसमें चालीस फीसदी जो दूध देने वाली गाय नहीं है उनको भी रखो क्योंकि गाय यदि दूध न देती है फिर भी उसके मूत्र और गोबर का यदि व्यावसायिक उपयोग किया जाए तो इसका बड़ा लाभ होता है तो चौदह स्थानों पर राज्यों ने गोकुल ग्राम की योजना बनाकर भेजी है उसको हमने स्वीकृति दी है और एक नई बात ये शुरू सु, किया कि जो ये दूध है गाय के दूध देसी गाय के दूध में एटू ज़्यादा है तो इसके लिए अलग से डेयरी प्लांट अभी उड़सा और आंध्र ने शुरू किया है और आपके यहाँ जिला में भी आपके राज्य में भी करनाल में एक महीने के अंदर ये ए, ए टू यानी देसी गाय के दूधों का एक डेयरी प्लांट प्रारंभ हो जाएगा जी ये बहुत फायदा होगा इससे और जो रोग जो पैदा करता है इस तरह का जो दूसरी नस्लों का जो दूध है दूसरी नस्लों की गायों का जो दूध है उससे फायदा मिलेगा एक हमारा एक और हमारे दर्शक लाइन पर हैं जी बताएं हेलो हेलो जी।, जी नमस्कार मैं सुनील उई के ग्राम सातल जिला बैतूल मध्यप्रदेश से बोल रहा हूँ ये एक्चुअली यहाँ किसानों को जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है और यहाँ एक्चुअली किसान ये जो अधिकारी लोग बताते ये हमें समझ में नहीं आता तो आप हमें विस्तार से बताएं कि ये है क्या और कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए सरकार बनते 1914-15 में सभी राज्यों को एक गाइडलाइन दिया गया कि आप हर जिला के लिए इरिगेशन का ऐसा प्लान बनाओ कि गांव के शुरू से अंत तक खेत को पानी कैसे मिलेगा और इसके बाद राज्य के आई अधिकारियों को बुलाकर ट्रेनिंग दी गई और मार्च सोलह तक 300 सो जिलों के इरिगेशन प्लान बन गए थे सितंबर आते आते देश के सभी जिलों का इरिगेशन प्लान बन जाएगा लेकिन ये प्लान भी बन रहा था और दूसरी ओर राज्यों को राशि बढ़ाई गई माइक्रो इरिगेशन का ये माइक्रो इरिगेशन सूक्ष्म इरिगेशन जो है तो ये दक्षिण के राज्य में पहले जाते होते रहे हैं मध्य प्रदेश बिहार झारखंड उड़ीसा इधर नहीं होते रहे हैं लेकिन अब मध्य प्रदेश ने भी माइक्रो इरिगेशन का काम तेज किया है लेकिन इससे भी जो बड़ा अभियान है देश के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 20 वरिष्ठ 30 वर्ष से हजारों कृषि की योजनाएं लंबित है मतलब उसको जो राशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती थी ऐसी तो हजारों योजना है लेकिन एट्टी नाइन योजना ऐसी है देश में उसमें मध्य प्रदेश के भी चार पांच योजनाएं हैं हमारे बिहार का भी है मराठवाड़ा का भी है ये एट्टी नाइन परियोजनाएं पच्चीस वर्ष से इसलिए रुका पड़ा हुआ है जो उसको पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत जो आकलन किया गया कि इसको यदि पूरा कर दिया जाए तो अस्सी हजार करोड़ रुपए खर्चे लगेंगे और 86 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो जाएगी तो इसके लिए इस बार के बजट में बजट तो बढ़ा, बढ़ाया गया है सिंचाई का कृषि का लेकिन अलग से नबार्ड के सहयोग से बीस हजार करोड़ रुपया का एक कॉरपोरे फंड बनाया गया है प्रारंभिक और जो काले धन का खुलासा होगा जो भी करेगा उसको साढ़े सात प्रतिशत का सरचार्ज देना होगा और सर्विस टैक्स पर भी आधे परसेंट की बढ़ोतरी होगी ये सारी राशि उसमें जाएगी और ये जो वर्ष है सोलह सत्रह का इस वर्ष में उसमें से तेईस परियोजनाओं के लिए 12507 करोड़ राज्यों को दिया गया है और इस वर्ष मार्च तक पूरा करना है 18 तक चालीस योजनाओं को पूरा करना है यानी दो बरस में चालीस और अगले दो बरस में चालीस पैंतालीस मैंने जब तक हर खेत को पानी नहीं पहुंचाते बड़ा दुर्भाग्य रहा 68, एट नाइन ईयर्स आजादी के हो गए और खेत को पानी नहीं मिला इस काम को हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये सपना है कि जब तक हम हर खेत को पानी नहीं पहुंचाएंगे सुख और चैन से नहीं बैठेंगे तो मुझको पूरा विश्वास है कि राज्यों के सहयोग से हम इस काम को अवश्य पूरा करेंगे जी ज़रूर एक हमारे पास और एक स्थिति बनती है जैसे हमारे किसान भाई कई बार आपने लोन की बात की ऋण लेने की बात की ऋण लेते हैं बैंकों से और कई बार ऐसे होता है कि उन्होंने ऋण ले लिया और वो उसको लौटा नहीं पाए और अगर वो लौटा नहीं पाए तो उसमें कई बार उनका ऋण माफ भी हो जाता है ऐसे में वो किसान जो उन्होंने ऋण लिया है और वो समय से लौटा रहे हैं उनमें एक प्रवृत्ति बनती है कि अरे ये तो ऋण अगर नहीं लौटाएं तो उससे हमें तो बहुत फायदा है और लोन हमारा माफ हो जाता है इस प्रवृत्ति से कुछ किसान उस दिशा की ओर अग्रसर हो जाते हैं क्या जो किसान ऋण समय पर लौटा रहे हैं उनको भी कोई इंसेंटिव प्रोत्साहन दिया जा सकता है जो किसान समय पर ऋण लौटाते हैं फसल ऋण जिनको हम देते हैं उनको तीन प्रतिशत की सहायता भारत सरकार से मिलती है और चार प्रतिशत ऋण किसान को देना पड़ता है लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जो अपने राज्य खजाने से भी जो किसान समय पर लौटाता है चार प्रतिशत दे देता है और वहाँ के किसान को शून्य प्रतिशत पर ऋण मिलता है इसमें मध्य प्रदेश उदाहरण है कर्नाटक है दो तीन और राज्य हैं माने चार पाँच ऐसे राज्य हैं कि अपने राज्य खजाने से भी देते हैं और भारत सरकार तीन प्रतिशत पर देती है और किसानों को चार प्रतिशत देना पड़ता है और यदि आपदाएं आ जाए तो उसको थोड़ा लंबा समय भी किया जाता है इसके लिए राज्यों को कहा जाता है कि जिला स्तर पर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी होती हो बैठकर उसका टाइम का भी विस्तार करती है यदि आपदा आती है तो जी तो इससे जरूर उनकी प्रवृत्ति में फर्क आएगा एक फोन हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं जी नमस्कार हेलो किसान चैनल में सबसे पहले मंत्री महोदय का स्वागत है और मैं बुंदेलखंड से बोल रहा हूं अरुण कुमार जिला झांसी से और मेरा मंत्री महोदय से यह सवाल है कि बुंदेलखंड में ये हमेशा ही लगभग तीन साल पे सूखा पड़ता रहता है और इसके बारे में यहां पे जो किसान आत्महत्या करते हैं तो इसके लिए सरकार क्या कदम उठाए उठाने जा रही है और बुंदेलखंड जो है ये यहाँ सिंचाई के साधन बहुत कम है इसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है झांसी के मेरे प्रिय किसान भाई मैं दो दिन तक आपके जिला में था और दो तीन गांव में भी मुझे जाने का अवसर मिला और जब मैं वहां था तो मैंने एक रिपोर्ट देखी कि बुंदेलखंड पैकेज जो था आपके ध्यान में होगा नाम सुना होगा बुंदेलखंड पैकेज का बुंदेलखंड पैकेज जो था ये 31 मार्च 15 तक चार हजार करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए थे और 2 नवंबर 15 को हमारी सरकार आने के बाद सात सौ करोड़ रुपए दिए गए पहले से ही चल रहा है और एक जो रिपोर्ट मैंने देखा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कंसल्टेंसी द्वारा इस पैकेज के अधीन आपके ध्यान में है कुछ जिले मध्य प्रदेश के भी है कुछ जिले उत्तर प्रदेश के भी है तो उसने जो रिपोर्ट दी कि जो मध्य प्रदेश है तो इस पैकेज के कारण वहां जो सिंचाई का एरिया अठासी प्रतिशत बढ़ा और उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उसमें उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई इतना ही नहीं इसके अंदर जो पैसे दिए गए थे डेयरी सहकारियों समिति की स्थापना की जाए पशुपालन हमारे बुंदेलखंड के भाई को पता होगा कि दो दो सौ गाय चार चार सौ गांव रोड गाय रोड पर चल रही है दूध नहीं दे रही है तो जो कंटीजेंस जो टीम गई थी उसने सर्वे किया कि जो मध्य प्रदेश के जिले हैं उसमें तो ये दिखाई दे रहा है इसी तरह से ग्रामीण भंडारण का था वो भी कहीं बुंदेलखंड में दिखाई नहीं दिया तो मुझे भी बड़ा असर लगा कि वहां व्यवस्था कैसी व्यवस्था है देखिए सारी योजनाएं राज्य सरकार के माध्यम से चलती है कृषि का सिंचाई का स्वास्थ्य का तो निश्चित रूप से वहां की व्यवस्था में जरूर दोष है कि बुंदेलखंड पैकेज के लिए इतनी राशि गई और फिर भी उस अब जो नहीं दूसरा मुझको असर लगा कि जो आपदा आई सूखा पड़ा अब इसके लिए जो वहां पैसे गए पैसे जो गए इस दो बरस के अंदर चार हजार आठ सौ तिरासी करोड़ रुपए गए लेकिन जो लाभार्थी है उसको नहीं मिलकर गलत तो हाथों में गया देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत हाँ। हर को भूख मिटाने की गारंटी सरकार को है और पर्याप्त अनाज राज्य सरकारों को जाता है एक व्यक्ति को राशन नहीं मिला उसकी मौत हो गई तो मेरे समझ से थोड़ा बाहर जरूर रहा लेकिन अच्छा ये लगा कि हमने एक जो शुरू किया है जैविक खेती तो झांसी मंडल के तीन जिलों में सैतीस कलेक्टर क्लस्टर लोगों ने बनाया है पचास पचास एकड़ का जैविक खेती कर रहे हैं बीस हजार रुपए प्रति हेक्टर हम देते हैं नेचुरल खेती लोगों ने शुरू किया है और जल के जो परंपरागत सारे स्रोत थे बुंदेलखंड के अंदर हमारे पुरखों ने ऐसी व्यवस्था की थी सिंचाई का लेकिन वो सब समाप्त हो चुका है तो हमने मनरेगा के तहत इस बार राज्यों को कहा है कि वो पैसा सिंचाई पर खर्चा हो, और हो गया है बड़े पैमाने पर परंपरागत जल स्रोतों का पुनर्रचना उसका संरक्षण संवर्धन का काम हो रहा है जहां तक परिवार बर्बाद हो रहे हैं उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमने शुरू की है इस खरीफ से और राज्य सरकार के माध्यम से हम कर रहे हैं उसका टेंडर भी हो चुका है और हम बुंदेलखंड के भाइयों को जरूर कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के जीवन के जीवन रक्षा लिए परिवार बर्बाद हो गए तो आजादी के बाद सबसे बड़ी और अच्छी योजना किसानों के लिए चली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम भी पहले किसान को ज्यादा देना पड़ता था भरपाई कम होती थी तो प्रीमियम मात्र डेढ़ प्रतिशत किया गया है और खरीफ में दो प्रतिशत और बाकी जितना प्रीमियम का राशि बनेगा कंपनी को देना होगा राज खजाने से दिया जाएगा और किसान का जितना भी आपदा में नुकसान होगा उसकी पूरी भरपाई की जाएगी तो मैं यही विनती करूंगा कि अपने जिला के कृषि पदाधिकारी से संपर्क करके बीमा कंपनी से संपर्क करके बिल्कुल, बिल्कुल। एक एक किसान भाई फसल का बीमा जरूर कराएं। जी और जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सारे विकल्प आप देखें और जैसा कि आपको बताया गया कि बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं उनका फायदा उठाएं। एक हमारे और दर्शक फोन लाइन पर हैं। जी नमस्कार हेलो जी मेरा नाम बिजेंद्र सिंह दलाल है जी और मैं प्रगतिशील किसान हूँ पलवल हरियाणा का रहने वाला हूँ और मैं प्रगतिशील किसान क्लब का जिले का अध्यक्ष भी हूँ मेरी समस्या ये है कि भारत में खासकर हरियाणा के पलवल सोनीपत और ये जो एनसीआर का इलाका है यहाँ पर संरक्षित खेती करके पॉलीहाउस और नेट हाउस के अंदर किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और हमारी हरियाणा सरकार हमारे हॉर्टिकल्चर ग्रोथ को साढ़े से पच्चीस परसेंट करना चाहती है प्रदेश खेती के लिए जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के जितेंद्र पचास परसेंट अनुदान देने की, की बात है विजेंद्र सिंह वो पिछले सितंबर माह से बंद है उसको चालू करवाना चाहिए ताकि किसानों को ज्यादा पॉली हाउस लगा करके अपने ज्यादा उत्पादन बढ़ा करके एनसीआर की मार्केट में दिल्ली नोएडा फरीदाबाद और गुड़गांव में बेच करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते ये मेरा सवाल है कृषि मंत्री महोदय से ऐसी जितेंद्र जी आपको बहुत बहुत बधाई हो अभी अभी पांच दिन पहले मैं फरीदाबाद गया था पलवल जिला और फरीदाबाद जिला के लगभग 500 किसानों के साथ हम दिन भर बैठे थे वहां जाने के पहले दो बार मैं हरियाणा गया और 20 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कृषि मंत्री जी और सारे कृषि के अधिकारी बुलाए था चीन की राजधानी जो है उस चीन की राजधानी की आबादी दिल्ली से दुगुना है लेकिन चीन की राजधानी को पूरा एनसीआर अंडा दूध मछली अनाज फल फूल सब्जी देता है सौ किलोमीटर का अंदर और अपनी जो राजधानी है इसको दूध महाराष्ट्र से आता है फल शिमला से आता है कश्मीर से आता है और सब्जी बंगाल से आता है तो हम दिन भर बैठे और हमने एक योजना बनाई है अपने किसान भाई पलवल के हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमने योजना बना ली है और तुरंत हम पलवल पलवल भी आने वाले हैं राज्य सरकार के बैठ के साथ हमने योजना बनाई है कि एनसीआर में जैसे सोनीपत जिला है तो सब्जी का हब ऐसे ही जो गुड़गांव है फूलों का हब और पलबल और फरीदाबाद को हॉर्टिकल्चर का हब बनाने का और निश्चित रूप से हम एक महीना के अंदर मैं और कृषि मंत्री आने वाला हूं आपके साथ हम बैठेंगे और बीच में यदि किसी दिन भी जब हाउस चलता रहे आप भी यदि दिल्ली आते हैं तो मिली और जो भी समस्या होगी हम समाधान करेंगे और हमने तय किया है कि आने वाले वर्षों में दिल्ली के अंदर जो भी आवश्यकता है चाहे अनाज की आवश्यकता है चाहे फल फूल की आवश्यकता है सब्जी है अंडा है मछली है दूध है इसका हब एन हो और आने वाले समय में हम दिल्ली की आपूर्ति एन के लोग करें जी किसानों से संवाद का ये अंदाज आपका बहुत निराला है और आपने किसानों को अपने पास भी आमंत्रित किया है ये बहुत खुशी की बात है और उसका हमारे किसान भाई ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे आप के आने की जानकारी को लेकर के हमारे पास कुछ मेल से भी कुछ प्रश्न आए हैं ईमेल से भी आए हैं जैसे हमारे एक ओमकार सिंह जी हैं बनारस के रहने वाले हैं ग्राम भलुहिया दसोधी तहसील एकोना बनारस से इन्होंने मेल भेजा है ये कहते हैं कि तेजी से घटते भूजल स्तर पर नियंत्रण के लिए किसानों को बूंद बूंद प्रणाली और जो ड्रिप इरीगेशन है उसको अपनाने के लिए क्या सब्सिडी में इजाफा किया जा सकता सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा परसों भी मैं ग्यारह राज्यों के पत्रकारों से बात कर रहा था यूपी बिहार और बंगाल ऐसे राज्य हैं कि हमने पिछले वर्ष जो ड्रीप इगेशन के लिए पैसे दिए वो भी इस्तेमाल तीन साल का राशि हम देख रहे हैं कि इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार से हमने अपील भी की है कि देखिए ये जल जो है जीवन के लिए तो संकट है होने वाला ही है लेकिन खेती में भी बड़ा इस्तेमाल होता है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ से ही कहा पर ड्रॉप मोर क्रॉप और सरकार आने के बाद हमने राज्यों को राशि भी बढ़ाई है पहले की तुलना में इसमें राशि बढ़ाई है लेकिन कई राज्य है जो सौ रुपया देते हैं तो डेढ़ सौ रुपया खर्चा कर रहा है लेकिन यूपी बिहार और बंगाल की स्थिति यह है कि इस मामले में पीछे हैं हम निश्चित रूप से सरकार के संपर्क में हैं और ये जो सूक्ष्म इरिगेशन है जिसमें स्प्रिंगलर और ड्रिप आता है यूपी बिहार के लोग भी से इसको अपनाएं जल संरक्षण और जल सुरक्षा आज राष्ट्रीय आवश्यकता है आ, इनका एक और भाग है इन्हीं के प्रश्न का कि जो जो नील गायों से खतरा खासतौर पर दलहन की फसलों को हो गया है उसके बारे में काफी चिंता है और क्या किया जा रहा है ये जो सुगर है इस प्रकार के वन प्राणी है हम नीलगा उसको नहीं बोलते हैं। हम लोग दूसरी भाषा में उसको बोलते हैं ये जो वन प्राणी है तो वन प्राणी अधिनियम के कारण हम उसको मार नहीं सकते थे और सिर्फ दलहन ही नहीं फसलों का कोई भी फसल भारी नुकसान करता है और दलहन का भी करता है तो हम वन पर्यावरण मंत्री जी को बधाई देंगे कि पिछले वर्ष उन्होंने एक नया कानून बना दिया है कि कोई राज्य अपने किसी खास इलाके में किसी भी वन प्राणी से यदि फसल का नुकसान होता है तो उसका एरिया कितना प्रतिशत नुकसान और कौन सा वन प्राणी ऐसा प्रस्ताव दे के अगर देता है तो हम उसको वन पर्यावरण पन, मंत्रालय उसको अनुमति दे देगा मारने दे का और मैं किसान भाई को बताना चाहता हूं कि बिहार ने इसका लाभ उठाया है और बिहार को यहाँ से अनुमति मिल गई है और बड़े पैमाने पर किसान वहाँ के राहत महसूस कर रहे हैं इसके अलावा हिमाचल ने भी इसका लाभ उठाया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार लाभ उठाए एक प्रस्ताव बनाकर दे किसी खास इलाके में जो इस प्रकार का कोई भी वन्य प्राणी है यदि नुकसान करता है तो यहाँ से उनको अनुमति मिल जाएगी इनका एक और सुझाव है कि खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में कहीं कहीं बिजली की कटौती काफी होती है तो क्या सौर ऊर्जा चाले जो पंप हैं उनके लिए सब्सिडी का प्रावधान यदि किसान टीवी एक घंटा पहले देख रहे होंगे तो आ रहा था हमारा जो परंपरागत ऊर्जा मिनिस्ट्री है वो बड़े पैमाने पर इस पर सहायता कर रही है और राज्यों के माध्यम से हम बड़े पैमाने पर सहायता कर रहे हैं और सौर ऊर्जा कृषि में उसका उपयोग हो इसको काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार आने के बाद ये काम तेज हुआ है जी तो ओंकार जी आपका धन्यवाद आपने प्रश्न पूछा मेल से और आपको समाधान भी मिल गया एक फोन और तैयार है हमारे साथी फोन लाइन पर हैं जी नमस्कार मैं अशोक बालियान जी अगर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ और मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से सवाल है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी हाल में ही उन्होंने लागू की है जी। हम चाहते हैं कि उसको 100 परसेंट किसान तक कब तक जोड़ा जाएगा क्या? ताकि प्राकृतिक आपदा से किसान को उसके नुकसान का मुआवजा समय से मिल जाए ये फसल बीमा योजना के बारे में जानना चाहते हैं और कहते हैं कि इसका जो शत प्रतिशत है इसका वो होगा और इससे फायदा मिलेगा हाँ निश्चित रूप से ये जो हम हम महामारी हम, सरकार ने जो नया फसल बीमा योजना लाया है मैंने बताया कि आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी और अच्छी योजना है आपका जितना जो जिला के अंदर उसका तय होता है कलेक्टर और बैंकों की अध्यक्षता में तो जितने का बीमा होगा आपका वो पहले नहीं मिलता था पूरा भरपाई नहीं होता था और प्रीमियम ज्यादा लिया जाता था तो प्रीमियम भी कम कर दिया गया है और भुगतान पूरा होगा जितना लागत होगा हर जिला का अलग अलग अपना रेट होगा और समय से भुगतान हो इसके लिए आपदा में जो आपका नुकसान होगा तो बिना माफी किए एक दो दिन के अंदर 25 प्रतिशत भुगतान और एक महीने के अंदर हंड्रेड परसेंट भुगतान क्योंकि हम इसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे हमने राज्यों के नीचे के अधिकारियों को स्मार्टफोन दिया है यहाँ मोबाइल ऐप जारी किया है ताकि आंकड़े तुरंत आए और कोई हेरा फेरी ना हो इसके लिए ड्रोन तक का भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं आखिर विज्ञान किसान के लिए भी है विज्ञान किसी की बपौती नहीं है विज्ञान के सहारे हम मंगल पर पहुंच सकते हैं तो क्या उस विज्ञान का लाभ हमारे किसान को नहीं मिलेगा तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के सहारे हम आंकड़े जल्दी इकट्ठा करके और एक महीना के अंदर भुगतान सुनिश्चित करेंगे जी हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे किसानों को कई चीज़ों में फायदा हो सकता है नई नई योजनाओं के माध्यम से एक समस्या आती है जो किसान भाई जो हमारा उत्पाद लाते हैं इतनी मेहनत करते हैं कड़ा परिश्रम करते हैं और जब वो बाज़ार में जाते हैं तो उनको उसकी ठीक से कीमत नहीं मिल पाती जो बीच में जो बिचौलियों का जो स्थान है उसको किस प्रकार से कम से कमतर या दूर किए जाने की व्यवस्था है देखिए इसकी चिंता पंद्रह बरस से इस देश में हो रही थी कि एक कृषि बाजार हो जब किसान जाए तो उसके देश का ना बाजारों का भी रेट पता चले वहाँ फिर कोई खरीद ले किसी मार्केट में कहीं बेच ले बैठे बैठे ई ट्रेडिंग लेकिन ये काम नहीं हुआ हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनते इस पर काम शुरू किया और राज्यों को कहा कानून राज्य बनाती है मंडी कानून अब हर राज्य में अलग अलग मंडी के लिए अलग अलग कानून है बिचौलिए हैं वो जो बोलेंगे उसी दाम पर बेचना है प्रधानमंत्री जी ने कहा तीन कानून बदलो राज्यों को एक तो बनाओ ई ट्रेडिंग होगा दूसरा होगा कि एक लाइसेंस से किसी बाजार में खरीद सकते हैं और तीसरा एकल पॉइंट ले भी होगा और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सत्रह राज्यों ने कानून बदल दिए बारह राज्यों ने तीन मंडियों के लिए प्रस्ताव भेजे हम उनको पैसा देते हैं और आईटी के इंजीनियर देते हैं और उस मार्केट में जाने पर देश के अन्य मार्केट में क्या कीमत है वहां दिखाई देता है और ई ट्रेडिंग से कहीं का लाइसेंसी कहीं सामान खरीद सकता है और किसी मार्केट में से कोई किसान खरीद सकता है उसी मार्केट के दलाल के चंगुल में नहीं रहेगा तो ऐसा जो पॉलिसी हमने बनाई तो राज्यों ने इसमें सहयोग किया है और बारह राज्यों के तीन सौ मंडियों के प्रस्ताव आए हमने पैसे दिए और उसमें 14 अप्रैल 16 को 21 मंडी तैयार हो चुका था उसको हमने पायलट प्रोजेक्ट से जोड़ा है और इक्कीस मंडियों के किसान इसका लाभ उठा रहे हैं और सितंबर सोलह आते आते दो सौ मंडियों को इसमें हम जोड़ लेंगे सत्रह मार्च आते आते दो सौ को और जोड़ेंगे और अठारह मार्च तक पांच सौ पचासी मंडियों को जोड़ देंगे ताकि किसान उसमें जाए तो उसको अपने सामान दलाल के मनमानी कीमत पर नहीं देना पड़े जो देश के अन्य मार्केट में कीमत थे वो भी दिखाई देगा फिर ई ट्रेडिंग होगी और किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा बल्कि इक्कीस मंडियों का ये अनुभव आ रहा है कि अभी तक पच्चीस हजार से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल चुका है यह पायलट प्रयोग है पंद्रह साल दस साल पहले होना चाहिए लेकिन हम निश्चित रूप से राज्यों ने सहयोग किया तो अठारह के हम सत्रह के दिसंबर तक देश के सभी बड़ी मंडियों को जोड़ देंगे जी एक और हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं जी नमस्कार हेलो हेलो जी जी नमस्कार मैं आयुष बोल रहा हूँ उत्तर उत्तर प्रदेश से जी, आ, जी पहले तो मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने किसानों सीधा से सीधा संवाद करने रास्ते मतलब हमसे सीधा संवाद किया और सर मेरा आ, मंत्री जी से ये प्रश्न है कि कृषि की इतनी योजनाओं के साथ साथ जो कृषि शिक्षा है उसको लेकर सरकार क्या या क्या क्या योजनाएं ला रही है क्योंकि मतलब किसान एक होता है और उसके बच्चों चाहता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कृषि से संबंधित शिक्षाओं को अधिक से अधिक ले ताकि मतलब आगे चल के वो शायद अपनी ही कृषि को या किसी अलग क्षेत्र में जाके या कृषि की शिक्षा आदि क्षेत्रों में जाकर कृषि को और बढ़ावा दे सके तो कृषि शिक्षा को लेकर हमारी सरकार की क्या योजनाएं अनूप है ये और कृषि शिक्षा के बारे में हाँ अनूप जी आपको बहुत बहुत बधाई हो देखिए कृषि के क्षेत्र में जो मानव संसाधन है उसका घोर संकट है आपके जानकारी में मैं एक बात लाना चाहता हूं जब अंग्रेज इस देश में आए थे तो 1904 में इंपेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की स्थापना की थी दिल्ली से 1000 किलोमीटर की दूरी पर और उन्नीस के भूकंप के बाद वो दिल्ली में आ गया पूसा में और आजादी के सड़सठ वर्ष बाद भी जब मोदी सरकार आई तब तक ये वही संस्था थी अनुसंधान मुख्यालय आई आर आई हमारे प्रधानमंत्री जी ने तुरंत घोषणा की कि इसी प्रकार का दो और संस्थान बनेगा एक झारखंड में शुरू हो गया है एक आसाम में भी परसों में जा रहा हूं और जमीन नहीं मिल रहा था और देश के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों के छह राज्यों में विश्वविद्यालय नहीं तो मणिपुर के अंदर एक छोटा सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो झांसी के अंदर सरकार बनते हमने भी की नियुक्ति की और वहां सेंट्रल स्कूल की पढ़ाई शुरू हो गई है दूसरे ही कैंपस में और इसी महीने भवन निर्माण का भी काम शुरू केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय देश में नहीं जी और दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा जहां ओरिजिनली था जो आज दिल्ली में है उसको कैबिनेट ने पास किया और यहां भी दोनों सदनों ने पास किया है दो तीन महीना के अंदर वो भी चालू हो जाएगा और बुंदेलखंड के अंदर जो हमने खोला सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो चार कॉलेज भी इसमें खोले हैं और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में एक एक नए कॉलेज खोले हैं अभी और पूसा में भी जो खोल रहे हैं उसमें भी चार माने कुल चौदह नए कॉलेज लेकिन कॉलेज राज्य खोलती है लेकिन हमने एक्स्ट्रा नहीं खोला है दूसरी तरफ जो विद्यार्थी हैं विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलता था ये जो विद्यार्थी हैं एग्रीकल्चर वाले को छ महीना जाना पड़ता है ग्रामीण कार्य अनुभव के लिए तो उनको दिया जाता था साढ़े सात सौ रुपये प्रति सरकार बनते हमने उसको तीन हजार माह किया और इसी प्रकार से जो अंडर ग्रेजुएट छात्रों का स्कॉलरशिप एक हज़ार था उसको बढ़ा के दो हज़ार हमने किया और दो हजार सोलह से अभी जो छात्र गृह राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में पढ़ाई करना चाहते हैं पीजी का उनको तीन हजार माह दिए जाने का हमने निर्णय किया है हमारा हमारा पूरा इस बात पर ध्यान केंद्रित है कि मानव संसाधन बिना ज्ञान और टेक्नोलॉजी के कृषि में बढ़ोतरी नहीं होगी आबादी बढ़ रही है खेती योग्य जमीन बढ़ने वाली नहीं है इसलिए नई टेक्नोलॉजी और विज्ञान ही भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकती है तो खेती में अधिक से अधिक मानव संसाधन शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा इस पर ध्यान देना विस्तार रिसर्च आप देखेंगे कि इस वर्ष सूखा ज्यादा था उसके बावजूद ही पिछले वर्ष ज्यादा उपज अंदाजा आया है उसके पीछे हमारी शिक्षा है कृषि शिक्षा और विज्ञान है लगभग चालीस ऐसी किस्में सूखारोधी किस्में हमारे बिज्ञा, कृषि वैज्ञानिकों ने दिया राज्यों को दिया ब्रीडर सीट दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि विपरीत परिस्थिति में भी पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन पर असर नहीं पड़ा तो शिक्षा हमारी प्राथमिकता है और इस देश के जो आज प्रधानमंत्री हैं वो 12 वर्षों तक एक राज्य के मुख्यमंत्री थे और कृषि दर विकास दर जो बहुत ज्यादा बढ़ा उसका एकमात्र कारण था कि गुजरात पहला राज्य था जिसने कृषि में शिक्षा अनुसंधान और विस्तार नई टेक्नोलॉजी और विज्ञान विज्ञान को लाया था देश देश सौभाग्यशाली है का किसान वही व्यक्ति आज देश का, कि का प्रधानमंत्री है निश्चित रूप से इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे एक प्रश्न हम इससे जुड़ा हुआ दर्शकों की ओर से पूछना चाहेंगे आपसे कि जैसे जो हमारा किसान के बच्चे हैं किसान का बेटा है या बेटी है वो पढ़ने लिखने शहर भी जाते हैं और आसपास जहाँ भी उन्हें उपलब्ध होता है शिक्षा का कृषि शिक्षा का वो पढ़ते हैं तो इससे एक जो विरोधाभास सा आ रहा है कि जो पढ़ लिख जाएगा वो फिर खेती नहीं करेगा हालांकि उसे अपेक्षा है कि वो ज्यादा अच्छी वैज्ञानिक ढंग से खेती करे तो वो बाहर जाके नौकरी में जाएगा और गाँव से पलायन कर जाएगा शिक्षा और खेती से जुड़े रहना इन दोनों के बीच में तालमेल के बारे में आपका क्या देखिए हमारी नीतियां ऐसी रही है किसान कृषि घाटे का सौदा तो अपने, समाज में एक अपने बेटा को शिक्षक बनाना जरूर चाहता है एक वैज्ञानिक वैज्ञानिक बनाना चाहता है एक डॉक्टर डॉक्टर बनाना चाहता है प्रोफेसर प्रोफेसर बनाना चाहता है लेकिन किसान बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है और उसका कारण हमने हमने ऐसा दिमाग में बात रखा कि आमदनी बढ़ेगा कृषि का जब समर्थन मूल्य बढ़ेगा जब ऋण माफ हो जाएगा अब कृषि घाटे का सौदा हो गया तो कृषि में साइंस और टेक्नोलॉजी उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन लागत कम करने के लिए अच्छा बाजार दिलाने के लिए और साथ ही नई टेक्नोलॉजी के सहारे फलों की खेती सब्जियों की खेती अनाज की खेती फिर डेयरी पशुपालन मत्स्य पालन मधुमक्खी पालन देखिए आज सबसे ज्यादा हम इमारती लकड़ियों के आयातक हमारे पुरखे मेड़ पर पेड़ लगाते थे खेत में पेड़ लगाते थे तो आमदनी बढ़े इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्व को न बताकर समर्थन मूल्य की चर्चा करते रहे जी जी समर्थन मूल्य मत... भी जरूरी है जी, जी। लेकिन अब आप देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा प्रयोग गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश में अब हम ने शुरू किया है तो अब रुड़की के इंजीनियर पढ़ाई छोड़ने के बाद चार इंजीनियर पचास एकड़ जमीन लेकर साइंस और टेक्नोलॉजी के सहारे नवीन तकनीक के सहारे खेती का काम कर रहा है तो समय आएगा जी साइंस और टेक्नोलॉजी और शिक्षा को जितना बढ़ाएंगे अनुसंधान जितना बढ़ाएंगे उतना अब डॉक्टर अपने बेटा को भी कृषि की ओर जाने का ये बहुत प्रेरणाप्रद है और जैसा कि आपने बताया कि जो किसान का है वो सामाजिक स्तर ऊंचा उठेगा और जरूर जो हमारे युवा है वो खेती किसानी की ओर उन्मुख होंगे एक और हमारे दर्शक लाइन पर हैं जी हेलो हेलो मैं बच्चू सिंह जी नगला तहसील हम्मली फतेहपुर सीकरी आगरा जी मैं मैडम ये सवाल पूछना चाहता हूँ कृषि मंत्री से कि किसान के लिए प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का कोई इस तरह की योजना चलाई जाए जिससे किसान के बच्चों को जो हम बोल रहे थे उस समय सुने होंगे कि प्रोडक्शन के साथ साथ और मार्केट प्रोसेसिंग और, बोला बोला और बोला मार्केटिंग का मिले सिस्टम जिससे किसानों के लड़कों को रोजगार की सुविधा हो और इसकी आमंदनी बढ़े किसानों के सामने मुख्य समस्या है कि प्रोडक्शन तो कर लेते हैं लेकिन प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में न जानकारी होने से उनको कोई व्यवस्था ठीक से प्रोडक्शन का दाम उसको नहीं मिल पाता है जी धन्यवाद ये मिले... अभी हमने बताया बताया है कि देखिए उत्पादन बढ़े लागत कम हो और अच्छा मार्केट इसके लिए हमारी सरकार तो डेढ़ दो दो बरस सरकार के हुए हैं तो हमने कुछ योजनाएं चलाई हैं जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना स्वागत हेल्थ कार्ड योजना जैविक खेती नीम कोटे ताकि लागत कम हो किसान को और अच्छा मूल्य मिले इसलिए राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण कर रहे हैं राज्यों के सहयोग से देश सौ देश के पाँच मंडियों को हाईटेक कर रहे हैं ताकि वहाँ किसान जाए तो देश के अन्य मार्केट में क्या कीमत है और अन्य मार्केट के खरीदवार खरीदार भी ये मार्केट इससे उनका सामान खरीदे ज़्यादा मूल्य मिल सके तो इसके लिए हमने योजना प्रारंभ कर दी है और अभी तक हम इक्कीस मार्केट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जोड़े हैं जहां 25,000 किसानों को इसका भी लाभ हुआ है लेकिन हम सत्रह के अंत तक देश के पाँच मंडियों को ये सुविधा उपलब्ध करा देंगे ताकि किसानों को अच्छा मूल्य मिले फिर आमदनी बढ़े इसके लिए डेयरी पशुपालन मछली पालन अंडा मुर्गी पालन मधुमक्खी पालन तो ये जो ये लाइट सेक्टर का है फिर मेड़ पर पेड़ लगाना खेतों में पेड़ लगाना तो ये सारी योजनाएं हमारी देश में बड़ी गति से तेज हुई है और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसके परिणाम होंगे और नौजवानों को रोजगार मिले इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने दो तीन योजनाएं चलाई हैं स्टैंड इंडिया स्टार्टअप इंडिया मुद्रा योजना ये सब रोजगार सृजन के अवसर इसमें पैदा होंगे जी वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो खासतौर पर जलवायु परिवर्तन का जो मामला है उससे हालांकि जो मानसून है वो बहुत अच्छा होने की संभावना है लेकिन जो वर्षा वाले दिन है जो वर्षा वाले दिन है जो पहले कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रहती थी वो घटते जा रहे हैं ऐसे में किसानों को अपनी सिंचाई व्यवस्था जो मौसम पर आधारित जो उनकी सिंचाई व्यवस्था है उसके बारे में आपकी तरफ से क्या तालमेल ये जो जल का संकट है जलवायु परिवर्तन का भी इसमें असर है तो एक तरफ तरफ तो मैंने पहले ही बताया कि परंपरागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना और जल का कम से कम खपत करना दैनिक जीवन में भी और खेती में भी पर ड्रॉप क्रॉप और जल सुरक्षा जल संचयन ये मुख्य रूप से जल संकट की समस्या का समाधान है और पूरा देश कम से कम इस मामले में आंदोलित हो गया जैसे स्वच्छता अभियान के लिए आंदोलित आंदोलन चला प्रधानमंत्री जी ने पहल की उसी तरह से प्रधानमंत्री जी का जो पहल है जल संरक्षण जल सुरक्षा तो ये अभियान भी अब सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर पर भी देश में आ, काफी तेज हुआ है और जलवायु परिवर्तन के कारण जो मौसम के मिजाज हैं उस पर असर जरूर पड़ा है और इस वर्ष असर पड़ा लेकिन उस चुनौती को हमने स्वीकार किया और आगे भी जो विज्ञान की बात है टेक्नोलॉजी की बात है उसके बल पर हम उसका सामना करेंगे लेकिन आने वाले समय में जो अगला सीजन है उसमें तमाम मौसम वैज्ञानिकों का सरकारी और प्राइवेट सबका यह अंदाजा है कि इस बार मौसम मौसम अनुकूल रहेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा आ, हमें लगता है कि माननीय मंत्री जी ने जो किसानों के साथ आज सीधा संवाद किया है उससे ज़रूर उनको प्रेरणा मिलेगी और वो बताई गई बातों से ज़रूर फायदा लेंगे इसी के साथ ही आपको चलते चलते बता दें कल का विषय कल का हमारा विषय रहेगा मछली पालन तथा तो मुर्गी पालन अगर आप हमसे पत्र व्यवहार के द्वारा जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लें हमारा पता है डी डी किसान हेलो किसान कमरा नंबर सत्तावन केंद्रीय निर्माण केंद्र दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली एक एक शून्य शून्य चार नौ आप हमसे मेल के द्वारा भी प्रश्न या कोई सुझाव दे सकते हैं प्रश्न भी पूछ सकते हैं हमारा मेल आई डी है हेलो किसान, दो शून्य एक पांच एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं जहां फसल की तस्वीर या वीडियो डाल सकते हैं फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान और अंत में चलते चलते आपको दोबारा टोल फ्री नंबर भी बता देते हैं एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छह शून्य आज के कार्यक्रम में बस इतना ही आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ नमस्कार